अपनी फ्रेंड्स, तो सुबह सुबह आज बना लिया था मैंने थोपा। मेरे यहाँ इसे थोपा ही बोला जाता है। ये बेसन की है, ये नमकीन बर्फी की टाइप की मैंने कट कर ली है और उसको निकाल रही हूँ ठंडी हो जाने के बाद, और कभी मैं शेयर करूँगी। बहुत पहले मैंने अपने वीडियोज़ में शेयर किया था। अगर आप लोग इसकी रेसिपी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट टाइम या किसी टाइम जब बनाऊँगी मैं, तो मैं आप लोग साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये देख सकते हो आप कितनी ईजी निकल रही है और बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने इसे बिना प्याज का बनाया है, आप इसे प्याज वाला भी बना सकते हो और इसकी सब्जी भी बनती है। आप चाहो तो बढ़िया सी ग्रेवी बना लीजिएगा, उसमें इसे डाल के पका लीजिएगा तो ये आपकी सब्जी भी हो जाएगी। तो मैं इसे नाश्ते के रूप में बनाती हूँ। अभी सुबह सुबह चाय के साथ में हम लोगों ने ये थोपा और ये सिकी हुई घी से सिकी हुई ब्रेड यही खाई हुई है, और उसके बाद दक्ष ने भी यही खाया था, एक चीज़ ब्रेड बना दिया था उसके लिए। एंड मैं अपने बेटे दक्ष के लिए कुछ प्रोडक्ट मंगाई हूँ जो कि काफ़ी अच्छे हैं। बहुत जल्द मैं इनका रिव्यू शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये मतलब आयुर्वेदिक हैं, कोई भी इसमें हार्मफुल केमिकल नहीं मिला हुआ है। मतलब आयुर्वेदिक चीज़ों पे तो ट्रस्ट कर ही सकते हैं, किसी और पे करें या ना करें, लेकिन ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो ये तीन प्रोडक्ट हैं, बहुत जल्द मैं आप लोगों से इनका रिव्यू है वो प्रॉपर शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छे लगे मुझे। छोटी छोटी बॉटल हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 200 ml की बॉटल्स हैं। उसके बाद आद्या को मैंने लगा दिया था काम में। मैंने बोला था कि आद्या तुम कपड़े कुछ हैं जो तय लगा के रख दो, अच्छे से तुम लगा के रख दोगी और मैं उसको अलमारी में लगा दूंगी, क्योंकि मैं और कामों में भी लगी हुई थी। तो आद्या ने क्या किया, सारे कपड़े तय लगा दिए और दक्ष सारे कपड़े बिगाड़ने में लगा हुआ है। अब क्या कर सकते हैं, उसको भी तो कुछ ना कुछ करने को चाहिए, तो वो भी कुछ ना कुछ कर रहा है। तो आद्या से कहा तो आद्या ने सारे कपड़े देखो तय लगा दिए हैं, अब बस मुझे उठा कर रखना है, तो मैं इनको इनकी जगह पे रखूंगी। और थैंक यू आद्या, तुमने मेरे सारे कपड़े लगा दिए। तो बस उसके बाद कुछ कपड़े मैंने प्रेस भी किए थे काफ़ी दिन पहले, आप लोगों को बताया था मैंने ढेर सारे कपड़े इनके प्रेस किए हैं, तो मैं यहाँ पर अलमारी में लगा रही हूँ। और ये सारे कपड़े मैं प्रेस किए हुए कपड़े ही हैंगर में टांग रही हूँ। मैं इस तरीके से हैंग करती हूँ इनके कपड़े, एक हैंगर में दो शर्ट, क्योंकि हैंगर भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो मैं दो इसमें लगा देती हूँ। बाकी के पैंट्स वगैरह तो ऐसे ही रख देती हूँ। कुछ मुझे कपड़े अपने दीवान में डालने हैं, इससे निकाल कर नए नए लहंगा वगैरह इसमें निकाल के रख दिए थे मैंने, वो सब डालने हैं। कुछ सूट वगैरह सही से उठा कर रखने हैं, तो वो सारे काम कर ले रही हूँ। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला थैंक यू आद्या। देखिए, काम चाहे छोटा बच्चा करे या बड़ा करे, चाहे कोई भी करे, अगर उससे सराहना मिलता मिलती है, आप उससे उसका काम आपको अच्छा लगता है, तो थैंक यू बोलने में क्या जाता है ना। और दूसरी चीज़, आप किसी किसी ने आ, कोई कोई भी छोटा सा काम क्यों ना किया हो, अगर आप उसे सराहेंगे तो उसके काम करने में उसका मन लगेगा, उससे आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा, और क्या चाहिए। वैसे तो दुनिया में पैसों से या फिर किसी और चीज़ों से हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन यही एक चीज़ होती है जो अपने बच्चों को आप दीजिएगा, ताकि बच्चे हमेशा यही अच्छी चीज़ सीखे और कभी भी ये ना कहे कि तुमने मेरे लिए ये किया है, अरे किया तो किया, बाढ़ में जाओ। मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए माइंड में। तो मैं अपने बच्चों को हमेशा ऐसे ही सिखाती हूँ। पता नहीं क्यों दक्ष में इतनी अच्छी आदत आ गई है, मैं उसे पानी का ग्लास भी देती हूँ पीने के लिए, तो जितनी बार उसे पानी लेगा या फिर कोई भी चीज़ खाने पीने की या कुछ भी चीज़ मांगेगा, मोबाइल भी मांगेगा, तो वो मुझे थैंक यू ज़रूर बोलता है। पता नहीं क्यों, वो उसने कहाँ से कैसे सीखा है। मेरी भी आदत है कि जैसे कि मुझे अचानक से खांसी या छींक आ जाए, तो किसी किसी के सामने हूँ या ना हूँ, अकेले चलने में ही आदत होगी, पता नहीं क्या हो गया है, सॉरी निकल ही जाता कि हाँ मुझे छींक आ गई है। या फिर छोटी सी भी कोई चीज़ होगी, मेरे हस्बैंड कुछ मतलब मेरी बात मान ले, या कोई भी चीज़ है कुछ ले आए या कुछ भी, तो या पानी मुझे दे दे, तो मैं उनसे थैंक यू ही बोल देती हूँ। तो बच्चा वही चीज़ सीखता है जो घर में हो रहा होता है, जो आसपास एरिया में हो रहा होता है। तो वही मैं कहना चाहती हूँ, हमेशा उसे बढ़ावा दीजिए कि आपने अच्छा किया है, उसे सराहें, बस इतना ही कहना चाहूंगी। हाय गाइस, तो जब मैंने ये वाला सूट पहना था ना, तो आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि दीदी ये सूट कहाँ से लिया, कितने का है, इसका प्राइस बताइए, बहुत ही प्यारा लग रहा है। जब मैं लखनऊ गई हुई थी एक एनिवर्सरी में, एक शादी में, तब मैंने ये सूट वेयर किया हुआ था, और ये कॉटन का सूट है और बहुत ही प्यारा अनारकली कुर्ता सेट है। इसके साथ दुपट्टा, कुर्ता एंड प्लाजो दोनों तीनों चीजें आ जाती हैं, तो मुझे ये काफी अच्छा कलर रेड एंड येलो मिक्स होकर
बहुत ही प्यारा कॉम्बो बना रहे हैं, सेट बना रहे हैं, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैंने दूसरा पहना हुआ था तो फिर हस्बैंड जी को कम अच्छा लगा, फिर उन्होंने बोला ये वाला पहनो, तो मैं ये वाला पहनी एंड ये वाला डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा। अनारकली कुर्ता है, तो मैं आपको बता दूं ये मैंने लिया था अमेजोन से एंड मैं इसका लिंक भी दे दूंगी एंड पिक्चर भी अटैच करूंगी दिखने में ये पूरा कैसा लग रहा है। ये कुर्ता और दुपट्टा एंड प्लाजो का सेट है और आपको मैं बता दूं अमेजोन से मैंने ये खरीदा था तब तो जितने का था तब था, नहीं इस टाइम ये बहुत सस्ता हो चुका है क्योंकि ऑफर चल रहे हैं। अमेजोन पर शुरू हो चुकी है वार्डरोब रिफ्रेश सेल जहां पर आपको अप टू 50 to 80% फैशन एंड ब्यूटी डेयरी कैटेगरी पे मिल जाएंगे ऑफ। और गाइज यहाँ पे जो ये सेल चल रही है वार्डरोब रिफ्रेश सेल, ये आपको 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक लगातार चल रही है। सो गाइज आपको मैं बता देती हूँ अमेजोन पे और क्या क्या ऑफर चल रहे हैं। अमेजोन पे शुरू हो चुकी है वार्डरोब रिफ्रेश सेल जो कि 1 तारीख से लेकर 6 जून तक चलने वाली है। यहाँ पर आपको 50 to 80% ऑफ मिलेगा टॉप ब्रांड पे फैशन एंड ब्यूटी गिरी कैटेगरी पे एंड 1000+ टॉप ब्रांड है यहाँ पे, ग्रेट प्राइस है एंड यहाँ पे 4 लाख से प्लस स्टाइल है। सो गाइज जाइएगा डेफिनेटली शॉपिंग करिएगा। और एक बहुत ही अच्छी बात है क्या है, यहाँ पर आप पहला ऑर्डर जब लगाएंगे ना तो आपकी डिलीवरी चार्ज है वो फ्री है, डिलीवरी जो है वो फ्री है, फर्स्ट ऑर्डर पे आपको डिलीवरी फ्री मिल रही है एंड 30 दिन इजी रिटर्न है। यहाँ पे आप कैश ऑन डिलीवरी भी लगा सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, तो है ना बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर। तो जाइएगा फटाफट से, मैं सारे प्रोडक्ट की लिंक भी दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेक कर लेना। इसका भी प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ ये कुर्ता सेट ये कैसा है आपको, ये देखिए इसका नेक एरिया बहुत ही प्यारा है, ये यहाँ पे ये पूरे ये कढ़ाई है जरी का, यहाँ पे ये फॉल प्रिंट दिया गया है और ये जो गोल्डन दिख रहा है ये कढ़ाई है। बाकी का ये देखिए ये एक रेड कलर का पट्टी लगी हुई है जो कि सिल्क का कपड़ा है, बाकी का ये गोटा पट्टी का वर्क किया गया है। पूरा कुर्ता जो है ये फॉल प्रिंट से है, डिजाइन एंड प्योर कॉटन मटेरियल है। यहाँ पे गोटा पट्टी का कुछ वर्क किया गया हुआ है, यहाँ पे भी कुछ गोटा पट्टी की डिटेलिंग दी गई है। बाकी का ये कुर्ता पूरा प्रिंटेड है नीचे तक और खूब सारा घेर है नीचे तक, किनारे सेम वही डिटेलिंग दी गई है जो स्लीव पे दी गई है, पर थोड़ा सा यहाँ पे गोटा पट्टी का वर्क ज्यादा कर दिया गया है। बाकी का बहुत ही प्यारा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ में जो ये प्लाजो मिल जाता है ये देखिए, ये है प्लाजो, ये फुल्ली इलास्टिक है एंड ये फॉयल प्रिंट है पूरा ऐसा है ऑल ओवर, ये इस तरीके की इसकी मोहरी है नीचे की। इसके साथ में ये रेड कलर का दुपट्टा मिल जाता है जिसमें ये येलो कलर का बॉर्डर दिया गया है। दुपट्टे की लंबाई और चौड़ाई दोनों की बात करें तो बहुत 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 ज्यादा है एंड फैब्रिक की बात करें तो एकदम मखमल जैसा सॉफ्ट प्योर खादी कॉटन का है, बहुत ही कंफर्टेबल है। गर्मी में आप किसी भी फंक्शन में जा रहे हो ना तब भी आप इसे पहन सकते हो, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मैं सारा दिन पहन के रही, बहुत अच्छा लगा इसको पहन के। नेक्स्ट मैंने एक कुर्ता सेट और लिया हुआ है, सेट है लेकिन इसमें दुपट्टा नहीं है, ये गो सिल्की ब्रांड का है एंड मुझे काफी अच्छा लगा ये, इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है, इसका कपड़ा जो है वो कॉटन एंड रेयॉन मिक्स में है, इस तरीके का फैब्रिक है जो आप धुलो रोज डेली पहनो, रोज धुलो, प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इस तरीके की ये जो सर टाइप की स्लीव्स होती वो दी गई है, ये प्रिंट कुछ इस तरीके का है जो कि बहुत प्यारा प्रिंट है एंड पहनने के बाद लुक तो मैं दिखाऊंगी आपको ये कैसा लगता है। ये देखिए ये कट वाला कुर्ता है, यहाँ से कट है लेकिन काफी लॉन्ग है, बहुत अच्छा है। उसके बाद इसके साथ जो पैंट मिल जाता है तो पीछे से इसमें इलास्टिक आने से इसमें बेल्ट है, बाकी का इसमें एक तरफ पॉकेट भी दी गई है ये देखिए इस तरफ, और ये है इसका पैंट, तो ये कुछ चुनरी प्रिंट में है अजामीज की एंड लुक बहुत प्यारा आता है डेली वर्क के लिए, घर के लिए, मार्केट जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए बहुत प्यारा है। नेक्स्ट मैंने ली है अपने लिए एक लेगिंग्स जो कि अक्सर मुझे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास पहले स्किन कलर का पैंट था तो अब मैं पैंट खराब हो चुका है तो मैं उससे लेगिंग्स ले लेती हूँ, तो मैंने ये लायरा की ली है, लायरा की लेगिंग्स ली है। उसमें बहुत सारे कलर मिल जाते हैं, एक लो अच्छी लो, लायरा की ली है मैंने, बहुत ही प्यारी है। और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिए हैं ये हैंकी, ये 3 का सेट है, ये भी मुझे अच्छे खासे प्राइस पे मिल गया, मैं इसका भी लिंक दे दूंगी तो जरूर ट्राई कर देखना अगर लेना हो अपने हस्बैंड के लिए। और मैंने इनके लिए थोड़ी सॉक्स भी मंगाए हैं, ये देखो सॉक्स, क्योंकि अब लंबे वाले जो मोजे हैं ना वो पहन के तो नहीं जाते हैं, अब ये शॉर्ट वाले जो है ना वो मैंने इनके लिए लिए इतने इतने से हैं। तो ये बोल रहे थे कि नहीं है बाजार से लेना चल के प्रियंका, तो मैंने बोला कि जब मंगा ही रही हूँ कुछ सामान तो साथ में ये भी मंगा लेती हूँ, ऑफर में ये भी सस्ते पड़ रहे हैं मुझे।
और उसके बाद मैंने ली है अपने लिए एक और कुर्ती, बहुत प्यारी सी, ये देखिए मेहरून कलर की, बहुत अच्छी अनारकली कुर्ती है। इसमें इस तरीके का ये नेक में इस तरीके का वर्क दिया गया है, कितना प्यारा वर्क है, धागे का पूरी कढ़ाई है। ये कॉटन एंड रेयॉन मिक्स कपड़ा है, एक तरीके कॉटन ज्यादा इसमें है क्योंकि लग रहा है प्योर कॉटन सा। एंड यहाँ पे स्लीव क्वार्टर हाफ है, एंड यहाँ पे ये देखिए इस तरीके की इसमें डिजाइन दी गई है। बाकी ये कुर्ती जो है, ये अनारकली कुर्ती है, पूरी प्लेन है, लेकिन बहुत सारा घेर है इसमें, किनारे की तरफ यही वाली पट्टी दी गई है पूरे में, ये देखिए है ना, और घेर बहुत है। एंड इसको आप किसी भी कलर, मल्टी कलर देखो इसमें दिए गए हैं, आप इसमें येलो, व्हाइट और फ्रोजी, ब्लैक, ब्लू, बहुत सारे कलर की लेगिंग्स के साथ से पहन सकते हैं। वैसे से आप व्हाइट कलर की लेगिंग्स साथ पहनेंगे तो बहुत प्यारी लगेगी। तो ये है कुछ इस तरीके की कुर्ती, इसको भी ट्राई ऑन करके दिखाया मैंने, कैसी लग रही है बताना मुझे। बाकी का तो बस इतना सा सामान था, और एक चीज और ली है मैंने, जब मैं गई थी ना लखनऊ तो मैं जुतियां नई नई डाल के गई थी, आपको दिखाऊं, ये देखो मैंने नई नई जुतियां ली है, ये देखो बहुत ही अच्छी है। ये मैंने एक पेयर ही लिया हुआ है, बहुत ही सुंदर पार्टी वियर जुतियां और बहुत ही सस्ती, मेरा साइज बहुत कम मिल पाता है बड़ी मुश्किल से, लेकिन जब भी मुझे कोई जूतियां मेरी साइज में मिल जाती हैं और मुझे पसंद भी आ जाती हैं, मैं बहुत जल्दी ले लेती हूँ, क्योंकि फिर वो मिलती नहीं है, मेरी साइज बहुत इशू करता है, बहुत बड़ा साइज आता है मुझे। तो गाइज बस इतनी सीधी है शॉपिंग, सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे, चेक कर लेना। एंड MHS हॉल का भी लिंक मिल जाएगा, उसे भी चेक कर लेना, वहां भी सारे प्रोडक्ट एक साथ देखने को मिल जाएंगे, तो आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। और गाइज ऑफर चल रहे हैं, क्या सोच रहे हो, फटाफट से जाइए शॉपिंग करिएगा, जो मैंने लिया है वो पसंद आता है वो भी लीजिएगा, जो आपको पसंद है या आपने जो कुछ कार्ड में डाल रखा है तो अभी शॉपिंग करिएगा, ताकि आपको भी 50-80% डिस्काउंट मिल सके। चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं तैयार हो गई हूँ अपना थैला वैला लेकर, तो मैं जा रही हूँ अपने प्लॉट पे, अपने घर पर। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरा घर जितना बन चुका है वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। 2 फ्लोर कंप्लीट हो चुके हैं, थोड़ा सा ही बचा हुआ प्लास्टर करने को, वो भी पूरा हो जाएगा। और गाइज मैं आपको बता दूं, हमारे घर का जो काम है वो कुछ दिनों के लिए बंद हो रहा है। ऊंची तो है काफी, है तो ऊंची, फिर इससे वो लगवा देंगे ना, वो ऊपर लोहे की ग्रिल सी लगवा देना, सही रहेगा। आप देख सकते हो 1-2 दिन और काम चलेगा, मतलब मेन गेट आने वाला है, मेन गेट लग जाएगा, उसके बाद से हमारे घर का काम हफ्ते भर के लिए बंद हो जाएगा। कुछ कारण ये भी है कि आगे का काम जो कराना है उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, कुछ कारण ये भी है कि अभी पैसा वगैरह नहीं है, मतलब जितना था धीरे धीरे करके हमने उसमें लगा दिया है, अब रुक गया है काम। अब जैसे ही पैसा बैंक से मिलेगा हम लोगों को, फिर हम लोग आगे का काम बढ़ाएंगे। पिक्चर्स खींच के जाती है, उसी हिसाब से लोन का पैसा मिलता है हम लोगों को। हम लोगों ने लोन, होम लोन लिया था, पैसा लिया है होम लोन, 2 फ्लोर का ही मिल पाया क्योंकि 1 फ्लोर का बहुत कम बजट बन रहा था, और हम लोगों ने ज़मीन भी एक तरीके की उधारी पर ही ली थी, तो ज़मीन है उसका पैसा और घर बनने का पैसा सब हमने होम लोन से ही निकाल लिया, तो इसलिए हमारा जो होम है वो इतना ही बन पाया है। अभी कुछ और पैसे आने बाकी हैं वो भी, लेकिन काम बंद हो जाएगा, कम पैसे हम कम ही पड़ जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब आपको 2 फ्लोर के लिए होम लोन मिला हुआ है और 2 फ्लोर ही बनाकर सबको दिखाना है, सब कुछ कंप्लीट करके, और उसमें ज़मीन कैसे इंक्लूड हो जाएगी, तो धीरे धीरे हम लोग जो थोड़ा थोड़ा हस्बैंड की जो सैलरी जो कुछ है उससे अर्न होता है, उससे बचत करके ज़मीन का पैसा है कहीं ना कहीं से चुकाएंगे, तो उसके लिए वक्त लगेगा, तो हम लोग इस काम को अपने छोड़ देंगे। आजा जल्दी, आजा बाबू, ऊपर चलते हैं। सीढ़ियों में छाप होगी, पत्थर ही लगेगा सीधे, छाप होगी पत्थर लगेगा, छाप नहीं होगी, छाप होगी ना, ऐसी रहेगा। अच्छा यार मुझे पता है, ये है एक हॉल, चलो ये हॉल एरिया है। इधर क्या है? मैं बता देती हूँ, इधर है, ये इधर है किचन, इधर है ये बाथरूम, अंदर ये स्टोर रूम। चलो अच्छा, हाँ का भाई, हाँ ये ताजी लग रही है, इसे पानी भरा हुआ है यहाँ।
ये ढलाई किधर की है? आराम से खूब है मंदिर के। अभी जब वो टाइल्स लग जाएगी तो और दिखेगा। इनका डांस देख लो, दच्छू का डांस। दच्छू ये देखो डांस। किसका घर है बेटा ये? सो गाइस ये जो है आप देख सकते हो जिसके अंदर मेरे हस्बैंड जी थे, वो एक मंदिर है। नीचे भी सेम इसी जगह पे मंदिर है। नीचे कुछ समझ में नहीं आ रहा था जगह कितनी है क्या है, क्योंकि नीचे अभी बराबर की मतलब ज़मीन है ना, वो ऊबड़ खाबड़ है अभी, उसे बराबर करना बाकी है। यहाँ से पता चल रहा है कि हाँ मंदिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। बाकी का ये इधर बहुत अच्छा लगता है। दोनों तरफ ही हमारे घर के दोनों तरफ सड़क है, तो इससे कोई वो नहीं है कि इधर कोई घर बनवा लेगा तो बंद हो जाएगा, नहीं दोनों तरफ सड़क है, इसका फ़ायदा है हम लोगों को। और गाइस बिल्कुल हवा महल है हमारा घर, बहुत ही अच्छे तरीके से बना है। हर एक चीज़, हर एक दीवार को, हर एक कॉर्नर को बहुत अच्छे से हम लोगों ने सोच समझ के बनवाया है। नक्शे में जो भी चेंजेस थे वो करवाए हैं, फिर जाके हम लोगों ने अपना घर ये बनवाया है। वैसे आप लोगों को कुछ कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा, बाकी का जब ये टाइल्स लग जाएंगी या फिर प्रिंट वगैरह सब हो जाएगा तब आपको प्रॉपर समझ में आने लगेगा कि क्या है। तो जब बन जाएगा पूरा तब मैं आगे आपको दिखाऊंगी। फिलहाल ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं आप लोगों को दिखाने ले आती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ, तो कहीं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे घर को नज़र भी लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे काम है ना बीच बीच में रुक जाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है हमारे घर के काम चलते चलते रुक गए हैं किसी कारण से, कभी पैसे के कारण से, कभी कुछ और कारण से, किसी इशू से। तो इस वजह से मन नहीं करता है कि मैं हर बार आकर आपको अपना प्लॉट दिखाऊं, लेकिन कोशिश करती हूं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी ना तो अगर कुछ अच्छा हो गया होगा, मेन गेट लग गया होगा, तभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए अब हम आपको दिखाते हैं कि ये ऊपर वाला एरिया, हम लोग ऊपर और जाएंगे वहाँ पर। ये देखिए ये बाहर वाली वॉशरूम है, और गाइस यहाँ से ये पूरी बालकनी एरिया है। इसके बाद और ऊपर जाने का ये सीढ़ियाँ गई हुई हैं, तो चलिए और ऊपर चलते हैं, वो आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है ऊपर का नज़ारा। बहुत ही खूबसूरत है। मैं इतनी दुआ करूंगी कि भगवान जल्दी जल्दी सब चीज़ें कर दे, और आप लोगों से प्रार्थना करूंगी कि हमारे घर बनने के लिए दुआ कीजिएगा। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जिसके घर बन रहे हों जल्दी बन जाए, जिसके नहीं बन रहे हों मतलब तमन्ना है उनके घर बनने की, ईश्वर उनकी सारी तमन्नाएँ पूरी करें। ओह माय गॉड। हाँ इधर तो इधर क्या बनेगा भैया? ये छत है अबे, ये छत है। अब मुझे पता कहाँ देख रहे हो पापा? अब मुझे पता चला क्या पापा बोल रहे हैं। पहली बार चल डालेगा, संडे को करवा जाएंगे, फिर पताई होगी। अभी नहीं होने वाली है, अभी बंद हो रहा है काम थोड़े दिन के लिए। क्यों? धीरे धीरे होगा बेटा, एकदम थोड़ी ना होगा। कितनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी लगा एकदम ना मस्त। हाँ हर जगह से हवा आती है। ऐसे गाल पकड़ता है वो, क्यूटू क्यूटू करता है। अरे चलो ता कर दो जो चलता कैसे देखना, चले जाओ। पैर में गिट्टी चली गई होगी, ये गोद में, गोद में लो, गोद में लो, मिट्टी चलेगी इसमें। ई ओ ए बी। बैठो सब लोग, आज कोई बैठू दच्छू, बाय बाय। मुझे भी ले जाओ भाई। हाँ ले जाओ मुझे भी।
बाय दक्ष। रोने लगा। तो काफ़ी देर हो गई थी, घर जाके खाना बनाते सब कुछ करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा कोई प्लान था, लेकिन फिर इन्होंने ही बोला कि चलो बच्चों को नूडल्स वगैरह खिला खिलाते हैं। तो हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे फिश का काउंटर लगा हुआ था, तो बच्चे देख के खुश हो रहे थे। मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया एंड फिर मैंने अपने लिए एक डोसा मंगा लिया और आध्या दक्ष के लिए चाउमीन, बट आध्या दक्ष ने मेरा डोसा ही खाया, चाउमीन मेरे हस्बैंड ने खाए, थोड़ी सी चाउमीन ना मैंने ही खाई थी। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर अच्छा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने के लिए, मेरे रूटीन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।